जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु, आप देख रहे हैं देशी वाड़ी चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका वुमेन का दोस्तों सेकंड T20 मैच की दोस्तों, जो होगा 3 जून 2018 को। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से, हमारे पास टीम न्यूज अपडेट हो चुकी है। तो टीम न्यूज के हिसाब से दोस्तों प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, ड्रीम 11 की टीम हमने क्या बनाई है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी वेबसाइट पर आ चुके हो, अगर आपने हमारी वेबसाइट को अब तक विजिट नहीं किया तो विजिट कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको दोस्तों ड्रीम इलेवन क्रिकेट की, फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, आने वाली फीफा वर्ल्ड कप की सभी टीमें और दोस्तों कबड्डी की सभी टीमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और दोस्तों हम एक बात आपको बता दें, हमने ड्रीम इलेवन क्रिकेट 11 के नाम से प्ले स्टोर पर अपना एंड्रॉइड का ऐप पब्लिश कर दिया। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको दोस्तों सभी टीमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। दोस्तों जो अपडेटेड टीम न्यूज होती थी वो भी हम अपने ऐप में नोटिफिकेशन के जरिए पहुँचा देते हैं। तो सीधी बात करते हैं आज के मैच की, सबसे पहले देख लेते हैं टीम का नाम क्या है। दोस्तों टीम का नाम है बांग्लादेश वुमेन वर्सेज श्रीलंका वुमेन, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं सीधा मैच कब है। मैच है दोस्तों June 3 को 7 बजे शाम को, ठीक है फ्रेंड, 3 जून को। सीधी बात करते हैं दोस्तों मैच कहाँ पे है। मैच दोस्तों रॉयल सिलिगर क्लब कुआला लुमपुर मलेशिया में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं टीम न्यूज़ की। तो बांग्लादेश वुमेन टीम न्यूज़ की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश वुमेन ने दोस्तों 15 मेंबर की स्क्वाड दी है, जो स्क्वाड में 15 मेंबर दिए हैं। बात करते हैं मुर्शिदा खातून, सूर्या अजीमान एंड शोबाना मोस्तिया को स्क्वाड में नहीं लिया गया है। दोस्तों मुर्शिदा खातून, सूर्या अजमीन एंड शोबाना मोस्तरी को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। इनकी जगह पे लिली रानी बिसाओ एंड बैटर आसाया रहमान को स्क्वाड में ले लिया गया है। किसको? लिली रानी बिश्वास एंड बैटर आयासा रहमान को स्क्वाड में ले लिया गया है। अब सीधी बात करते हैं बांग्लादेश वुमेन की प्लेइंग 11 की। तो देख लेते हैं दोस्तों समीमा सुल्तान जो विकेट कीपर है टीम की, वो खेलने वाली है। आयासा रहमान, फरगाना होक्यू, रुमाना अहमद, निगर सुल्ताना, फहिमा खातून, जैनारा आलम, पन्ना घोष, खदीलतुल कुबरा, जन्नतुल फिरदौस, सलमा खान को जो टीम की कैप्टन है वो खेलने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आपको कितने दिन हो गए ड्रीम इलेवन खेलते हुए? क्या आपको रियल में पता है ड्रीम इलेवन आपका कॉम्पिटिटर कौन है? अगर नहीं पता दोस्तों ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपको रियल में पता लग जाए हमारा ड्रीम इलेवन में कॉम्पिटिटर कौन है। अगर ये वीडियो 1% भी आपको अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आके कमेंट कर दीजिए, हम निसंकोच आपकी हेल्प करेंगे। सीधी बात करते हैं श्रीलंका वुमेन की टीम न्यूज़ की। तो श्रीलंका वुमेन की दोस्तों चमारी एट पांटूना एंड बॉलिंग बॉलर और ऑलराउंडर अमा कंचना दोस्तों दोनों के दोनों रूल्ड आउट कर दिए गए हैं, क्योंकि इनको डेंगू चढ़ गया है। डेंगू बुखार को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। ये रूल आउट कर देंगे इस पूरे टूर्नामेंट के लिए, चमारी अटनापुंटी और अमाखंटन कंचना को, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं हर्चिता मधावी और इनोकर रणवीरा को दोस्तों स्क्वाड में ले लिया गया है। हर्चिता मधावी एंड इनोकर रणवीरा को स्क्वाड में ले लिया गया है। बात करते हैं श्रीलंका वुमेन की प्लेइंग 11 की। तो देख लेते दोस्तों अनुष्का संजीवनी खेलने वाली है, हसीरा पेरेरा, निकालस डी सिल्वा, रेबिका वेंडोर जो टीम की विकेट कीपर है वो खेलने वाली है, हर्षिता मदावी, शशिकला श्रीवर्धने जो टीम के कैप्टन है वो खेलने वाली है, ओसिदी रसिंगे, इनोका रसवीरा रणवीरा, उदेशिका पराबोधानी, सुधींसका कुमारी, इनोसी प्रियादर्शनी खेलने वाली है। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको ले सकते हो? दोस्तों शशिकला श्रीवर्धने, अनुष्का संजीवनी, रुमाना अहमद को आप कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर ले सकते हो। सभी की सभी प्लेयर टॉप स्कोरर मानी जाती हैं। बात करते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की। तो ड्रीम इलेवन की टीम हमने कैसे बनाई है, तो सीधा चलते हैं ड्रीम इलेवन में और एडिट करके आपको टीम हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं विकेट कीपर के तौर पे हमने लिया रेबिका वेंड्रोट को। बात करते हैं बैट्समैन की, तो हमने लिया 4 बैट्समैन, देख लेते हैं फटाफट से। एक लिया अनुष्का संजीवनी को, एक लिया फरगाना होक्यू को, एक लिया निगर सुल्ताना को और चौथा लिया दोस्तों हसीमी पिरेरा को। इसके बाद अगर हम बात करें ऑलराउंडर की, तो हमने लिए 3 ऑलराउंडर, देख लेते दोस्तों। एक लिया शशिकला श्रीवर्धने को, एक लिया रुमाना अहमद को, एक लिया फहिमा खातून को। बात करते हैं बॉलर्स की, तो हमने लिए 3 बॉलर्स, देख लेते फटाफट से। एक लिया है खदीलतुल कुबरा को, एक लिया है सलमा खातून को, एक लिया है उदीशिका पराधोनी को। इसके बाद नेक्स्ट कर कैप्टन वाइस कैप्टन हम आपको दिखा देते हैं। कैप्टन के तौर पर मिल गया है शशिकला श्रीवर्धने को। बात करते हैं वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन हमने लिया अनुष्का श्री संजीवनी को। सेव टीम करके एक बार इसका प्रीव्यू आप सभी को हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप टीम का प्रीव्यू देख पा रहे हो, अगर ये वीडियो 1% भी आपको हेल्पफुल लगी हो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारा एंड्रॉइड का एप्लीकेशन अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।
अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की सुनो बचते नहीं, बाकी की मैच की टीम आपको सुनो मिलती रहेंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जैसी वर्ड चैनल देखते रहिए और ड्रीम इलेवन खेलते रहिए और जीतते रहिए। अगर आपने अब तक कॉम्पिटिटर वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। आज की सुनो बचते नहीं।